अस्सलामुअलैकुम वन क्लास एवरीवन, टेक इट अप योर अदर कॉपीज। आज आपका काम है यूनिट टू एक घर। आज हम इस काम को रिपीट कर रहे हैं इस वीक में। सबसे पहले आप करेंगे खाली जगह पूर करें, ये एक डैश है, ये एक घर है। नंबर टू, घर में एक बैठने का डैश है, एक बैठने का कमरा है। नंबर थ्री, बाग में चमेली की एक डैश भी है, झाड़ी भी है। नंबर फोर, घर के बाहर एक छोटा सा डैश है, बाग है। नंबर फाइव, बाग में एक डैश का दरख्त भी है, आम का दरख्त भी है। नेक्स्ट पेज पे आप करेंगे अल्फाज को जमा से मिलाना है, आपने ये नंबरिंग में इसे मैच करना होता है, लाइन्स के साथ नहीं करना। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है झाड़ी, झाड़ियाँ। यहाँ पे नंबर वन राइट करेंगे, घर घरों, पौधा पौधे, कमरा कमरे, दरख्त दरख्तों। यहाँ पर आपने नंबरिंग के साथ इसे मैच करना है। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे हैं जोड़ के तोड़, सीन अलिफ सा जीम दाल जेद साजिद, सीन अलिफ जीम और दाल को हमने अलग अलग करके लिखना है। बे अलिफ बा गाइन बाग, बे अलिफ और गाइन बाग, गाफ लाम अलिफ लाम बे गुलाम, गाफ लाम अलिफ और बे गुलाम, काफ ते अलिफ ता बे किताब, काफ ते अलिफ और बे किताब, नून अलिफ ना दाल रहेरा नादरा, नून अलिफ दाल रहेरा नादरा। इसके आपने तोड़ करके लिखने हैं। फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, खाली जगह पूर करें, हैं और हूँ का इस्तेमाल। सबसे पहले है नंबर वन पे, एक कमरे में नादरा साजिद और मुन्ना रहते हैं। जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे वहां पर है आएगा। घर में एक खाने का कमरा है, एक कमरे की बात हो रही है तो है आएगा। एक छोटा सा गुलाब का पौधा है, एक कमरे में अब्बा और अम्मा रहते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, सवालात के जवाब बाद। क्वेश्चन नंबर वन है, नादरा के कितने भाई हैं? नादरा के दो भाई हैं। नंबर टू, बाग में कौन सा पौधा था? बाग में गुलाब का पौधा था। नंबर थ्री, घर में कितने कमरे थे? घर में पांच कमरे थे। नेक्स्ट पेज पर आप अल्फाज जुमले करेंगे, घर मेरा घर बहुत खूबसूरत है, बाग ही आम का बाग है, आम मुझे आम बहुत पसंद है, भाई मेरे दो भाई हैं, गुलाम ये गुलाब का पौधा है। इसके साथ आपने अपनी ख्वाहिश की कॉपी ओपन करनी है और पेज नंबर 19 से आपने अपनी लफ्जी गिनती करना स्टार्ट करनी है। अलिफ ये काफ एक, दाल वाव दो, ते ये नून तीन, चे अलिफ चार रे चार, पे अलिफ पा नून चे पाँच, चे हे छे, सीन अलिफ सात थे सात, अलिफ मद्दा ठे आठ, नून वाव नौ, दाल सिन दस। ये सारा काम आपने अपनी अदब और ख्वाहिश की कॉपी पे करना है। थैंक यू।